नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है बाबा, आप देख रहे हैं टेक्टॉक शो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज रिव्यू करने वाला हूँ टेक्नो स्पार्क पावर मोबाइल के बारे में। दोस्तों मोबाइल देख लो, इंडिया मार्केट में लॉन्च हो चुका है, इंडिया में सेल भी स्टार्ट होने वाला है। कब स्टार्ट होने वाला है, प्राइस क्या होने वाला है, स्पेसिफिकेशन क्या होने वाला है, टेक्नो की तरफ से क्या स्पेशल आने वाला है, सारी बातें जानेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मोबाइल को देखेंगे, टेक्नो की तरफ से आने वाला मोबाइल है दोस्तों। इसका नाम देखेंगे तो टेक्नो का स्पार्क सीरीज में नया मोबाइल है दोस्तों, टेक्नो स्पार्क पावर है दोस्तों। नाम देखेंगे तो पहले डिस्कस करने वाली बात डिज़ाइन है दोस्तों। डिज़ाइन देखेंगे तो 198 ग्राम वेट होने वाला मोबाइल आपको मिलने वाला है। इसमें देखें तो पूरा प्लास्टिक बॉडी होने वाला है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी होने वाला है। पीछे की तरफ देखें तो फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है, ब्रांडिंग होने वाला है। और देखेंगे तो आपको तीन कैमरास मिलने वाले हैं, चार फ्लैशलाइट मिलने वाला है आपको। मोबाइल के राइट साइड में देखेंगे तो आपको पावर बटन मिलने वाला है, वॉल्यूम मार्कर्स मिलने वाला है। मोबाइल के ऊपर की तरफ देखेंगे तो एम्प्टी है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। सेकेंडरी माइक्रोफोन आपको नहीं मिलने वाला है। और मोबाइल के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो फिजिकल बटन होने वाला है गूगल असिस्टेंट लॉन्च करने के लिए। और दूसरा देखेंगे तो सिम इंजेक्शन ट्रे मिलने वाला है आपको, सिम वन सिम टू। और देखेंगे तो डेडिकेट स्लॉट मिलने वाला है आपको एसडी कार्ड के लिए। और नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको स्पीकर्स मिलने वाला है, प्राइमरी माइक्रोफोन मिलने वाला है, यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलने वाला है, और जो आपको चाहिए हेडफोन जैक सपोर्ट आपको मिलने वाला है दोस्तों। और मोबाइल के सामने की तरफ देखेंगे तो आपको 6.3 इंचेस का स्क्रीन होने वाला है, एंड टू एंड स्क्रीन होने वाला है। ऊपर की तरफ देखेंगे नॉच होने वाला है, नॉच में सेल्फी कैमरा होने वाला है दोस्तों। और फीचर्स की बात करेंगे तो पहले डिस्कस करने वाली बात डिस्प्ले है दोस्तों। डिस्प्ले को देखें तो 6.3 इंचेस का अमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है आपको। बजट में देखें तो अमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसका पिक्सल रेजोल्यूशन देखेंगे तो 720x1548 का पिक्सल रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा डिस्प्ले होने वाला है दोस्तों। बजट में देखें तो आपको अमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बॉडी रेशियो में कंपेयर करें तो 86% पूरा आपको डिस्प्ले होने वाला है। डिस्प्ले के ऊपर तरफ देखें तो नॉच होने वाला है, नॉच में सेल्फी कैमरा होने वाला है दोस्तों। डिस्प्ले को देखेंगे तो बजट में आपको अच्छा खासा डिस्प्ले आपको मिलने वाला है। और दूसरा देखेंगे तो इसका स्पेशल इफेक्ट देखेंगे तो स्पेशल अट्रैक्शन देखेंगे तो इसका बैटरी, बैटरी की बात करेंगे तो इसमें आपको बहुत बड़ा बैटरी मिलने वाला है, 6000 mAh का लिथियम आयन नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलने वाला है। हाँ जी, 6000 mAh बैटरी मिलने वाला है आपको। 10,000 के अंदर आपको 6000 mAh का बैटरी मिलने वाला है, बहुत बड़ा बैटरी आपको मिलने वाला है दोस्तों। लेकिन थोड़ा माइनस पॉइंट है बैटरी के देखेंगे तो, इसमें केवल आपको 10W का चार्जर ही मिलने वाला है, नॉर्मल चार्जर मिलने वाला है आपको। ये बैटरी को 10W का चार्जर से चार्ज करना है तो कितने घंटे पड़ेगा, करीब करीब 3 घंटे तो समय लगने वाला है दोस्तों, 3 से 3.5-4 घंटे लगने वाला है बैटरी को चार्ज करना है तो। 6000 mAh भारी भरकम बैटरी। और देखेंगे तो चार्जर देखेंगे तो 10W का नॉर्मल चार्जर आपको मिलने वाला है, थोड़ा माइनस पॉइंट है दोस्तों। और दूसरा देखेंगे तो इसका प्रोसेसर, प्रोसेसर देखेंगे तो बजट में आपको क्या मिलना चाहिए वही मिलने वाला है दोस्तों। मीडिया टेक का हीलियो P22 प्रोसेसर आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा प्रोसेसर आपको मिलने वाला है दोस्तों। और इसमें देखेंगे तो 4GB रैम, 64GB का इनबिल्ट स्टोरेज आपको मिलने वाला है, एक ही वेरिएंट होने वाला है, 4GB रैम मिलने वाला है। और देखेंगे तो 64GB का इनबिल्ट स्टोरेज आपको मिलने वाला है। इसमें देखेंगे तो एसडी कार्ड का सपोर्ट होने वाला है, एसडी कार्ड के मदद से आप देखेंगे तो 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, ये भी अच्छी बात है दोस्तों। और दूसरा देखें तो इसमें वॉइस की बात करेंगे तो इसमें आपको एंड्रॉइड पाई मिलने वाला है। और देखेंगे तो हाई वॉइस 5.5 बेस्ड एंड्रॉइड पाई मिलने वाला है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। हाई वॉइस देखेंगे तो इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है दोस्तों। आप इससे पहले टेक्नो का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, अच्छा इंटरफेस होने वाला है, हाई वॉइस 5.5 बेस्ड एंड्रॉइड पाई मिलने वाला है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और दूसरा देखेंगे तो इसमें कैमरा सेटअप, कैमरा सेटअप की बात करेंगे तो इसमें आपको पिक्चर की तरफ देखेंगे तो 3 कैमरास मिलने वाला है। और देखेंगे तो 4 फ्लैशलाइट होने वाला है दोस्तों। हाँ जी, 4 फ्लैशलाइट आपको मिलने वाला है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। 3 कैमरास में देखेंगे तो 13MP का प्राइमरी कैमरा होने वाला है। इसमें देखेंगे तो गूगल लेंस के साथ आने वाला है दोस्तों, प्राइमरी कैमरा को देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसका अपर्चर देखेंगे तो F1.8 aperture आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा कैमरा होने वाला है। और दूसरी कैमरा की बात करेंगे तो 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होने वाला है, 120 फील्ड व्यू को पूरा कवर करने वाला है दोस्तों। इसका अपर्चर देखेंगे तो F2.2 aperture होने वाला है दोस्तों, बहुत अच्छा कैमरा आपको मिलने वाला है। तीसरी कैमरा की बात करेंगे तो आपको 2MP का मैक्रो लेंस होने वाला है। ये देखेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से भी मैक्रो लेंस देखेंगे तो अच्छा खासा फोकस करने वाला है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और दूसरा देखेंगे तो इसमें सेल्फी कैमरा, सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो इसमें आपको 13MP का AI बेस्ड सेल्फी कैमरा होने वाला है। इसमें ब्यूटिफिकेशन सपोर्ट होने वाला है। इसका अपर्चर देखेंगे तो F2.0 aperture आपको होने वाला है दोस्तों, फेस अनलॉक को सपोर्ट करने वाला है। ये देखेंगे तो 6 टाइप के ब्यूटिफिकेशन सपोर्ट होने वाला है, अच्छी बात है दोस्तों। इसमें देखेंगे तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, गायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, सारे सेंसर आपको मिलने वाला है दोस्तों, बहुत अच्छा मोबाइल होने वाला है। ओवरऑल से देखें तो आपको अच्छा खासा मोबाइल होने वाला है, 6000 mAh का भारी भरकम बैटरी आपको मिलने वाला है। और देखें तो मीडिया टेक का हीलियो P22 प्रोसेसर होने वाला है, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज,
और देखें तो डिस्प्ले की बात करेंगे तो अमोलेड डिस्प्ले होने वाला है, बहुत अच्छा डिस्प्ले होने वाला है। पैकेज में आपको देखें तो अच्छा मोबाइल मिलने वाला है। इस कलर्स की बात करेंगे तो दो कलर वेरियंट्स में मोबाइल मिलने वाला है दोस्तों, पहला देखेंगे तो ब्लू कलर और दूसरा देखें तो गोल्ड कलर में मोबाइल मिलने वाला है। ये मोबाइल इंडिया में कब आने वाला है देखें तो लॉन्च हो चुका है इंडिया में, सेल्स देखेंगे तो दिसंबर 1st से फ्लिपकार्ट में सेल स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। फ्लिपकार्ट में आप खरीद सकते हो मोबाइल को देखें तो। इसका प्राइस देखेंगे तो 8500 होने वाला है। हाँ जी, 10,000 के अंदर देखें तो आपको 6000 mAh का भारी भरकम बैटरी मिलने वाला है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आप मोबाइल को खरीदना चाहते हो तो दिसंबर 1st तक वेट करना पड़ेगा दोस्तों, अच्छा मोबाइल होने वाला है दोस्तों। छोटा सा रिव्यू है दोस्तों टेक्नो स्पार्क पावर मोबाइल के बारे में। आपको पसंद है जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। फैमिली फ्रेंड को वीडियो को शेयर करो, अच्छा मोबाइल है दोस्तों, सबको शेयर करो वीडियो को। जब तक देखते रहे, सीखते रहे, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।